हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल आज आपको राउटर फंडामेंटल के बारे में बताऊंगा। इसके लिए मैं एक सिमुलेटर सॉफ्टवेयर का यूज़ करूंगा। जैसे कि अगर आपको नेटवर्किंग करना है, नेटवर्किंग का प्रैक्टिस करना है, आप नेटवर्किंग सीख रहे हैं, तो उसके लिए आपको राउटर्स चाहिए, डिवाइसेस चाहिए। अब ये डिवाइसेस कॉस्टली आती हैं, पर अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, घर पे प्रैक्टिस करनी है, तो आप इतनी कॉस्ट लगा के ये डिवाइसेस नहीं खरीदते हैं। उसके लिए सिस्को ने एक अच्छा सोल्यूशन दिया है, सिमुलेटर सॉफ्टवेयर। ऐसे हर एक फील्ड में सिमुलेटर सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, एक्चुअल इन्वायरमेंट पे कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। सो एक्चुअल इन्वायरमेंट पे प्रैक्टिस करने के लिए आपको ज़्यादा कॉस्ट पे करना पड़ता है। अभी आप बेसिक नेटवर्किंग में अगर आपको सीखना है नेटवर्किंग कैसे होता है, राउटर कनेक्ट कैसे होते हैं, तो आप ये सिमुलेटर के थ्रू अच्छे से सीख सकते हैं। इस पे आप अपनी प्रैक्टिस बना सकते हैं। इसके लिए एक सेटअप है आपका, ये सिस्को का सेटअप, सॉफ्टवेयर सेटअप होता है, उसको आप जस्ट डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आप सिंपल .exe फाइल रन कराते हैं, सो पैकेट ट्रेसर को ओपन करते हैं, डबल क्लिक करेंगे, ये आप देख सकते हैं ये पैकेट ट्रेसर है। इसके अलावा और भी सिमुलेटर सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे बोजोन आता है, इसके अलावा GNS आता है। GNS जो 3 वर्जन है वो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन उसकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट यानी उसको रन कराने के लिए आपको ज़्यादा हार्डवेयर चाहिए। इसको रन कराने के लिए आप को हार्डवेयर रिक्वायरमेंट रैम सिस्टम की बहुत कम चाहिए, इसीलिए हम लोग इसको प्रेफर करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे फाइल है, फाइल ऑप्शन में सेव, ओपन, न्यू, ये ऑप्शन है। जैसे अगर आप यहाँ कोई नेटवर्किंग कंपोनेंट बनाते हैं, कोई मैप बनाते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, तो उसको आप सेव कर सकते हैं, जिसको आप बाद में भी देख सकते हैं। ऑप्शन पे जाके आप यहाँ पर अगर मैं नीचे पहले डिवाइसेस की बात कर लेते हैं, फिर ऑप्शन की बात ऊपर करेंगे। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि राउटर है, राउटर्स पे क्लिक करेंगे तो ये आप बॉक्स देख रहे हैं, इस बॉक्स के अंदर आपको डिफरेंट सीरीज के राउटर्स मिल जाएंगे। जैसे 1800, इस बॉक्स में देख सकते हैं आप कि सीरीज 1841, 2620XM, 2621XM, 2811XM, इस तरीके के राउटर्स यहाँ पे सीरीज़ में अवेलेबल हैं। सो सिस्को में हमें 2600 सीरीज़ का प्रैक्टिस करना है, CCNA के जो बेसिक नेटवर्किंग है CCNA में। दूसरा, यहाँ पे राउटर के बाद आप देख सकते हैं ये स्विच का सिंबल है, स्विच के सिंबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ अवेलेबल स्विचेस दिखाई देंगे। सो इसमें से आप 2950 या 2960 या आप जेनरिक मतलब जिसमें पोर्ट अवेलेबल है भी नहीं भी है, इसकी कोई सीरीज नहीं है। दूसरा आप 3560 जो कि एक नेटवर्क लेयर मल्टी लेयर, दैट मीन्स कि ये एक ऐसा स्विच है जिसपे आप IP एड्रेस के साथ साथ मैक एड्रेस पे भी काम करता है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ हब है राउटर में, पैकेट ट्रेसर में वायरलेस डिवाइसेस हैं, वायरलेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं जेनरिक डिवाइसेस हैं, और ये लिंकसिस जो कि सिस्को का कंपनी है उसमें आप देख सकते हैं ये लिंकसिस राउटर है, वायरलेस राउटर जिससे आप वायरलेस डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर आपको वायरलेस डिवाइसेस की भी प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए आपको एक्चुअल हार्डवेयर नहीं खरीदना पड़ेगा, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ पे केबल कनेक्शंस को देख सकते हैं, आप कनेक्शंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली चूज कनेक्शन टाइप, इस कनेक्शन टाइप को आप चूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि कौन सा डिवाइस किस केबल से जुड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली वो अपने आप चूज कर लेगी। पर ये एक्चुअल इन्वायरमेंट में ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ इस सॉफ्टवेयर का काम है, इस सॉफ्टवेयर पे ही ऐसा होगा। एक्चुअल इन्वायरमेंट पे तो हमें खुद से चूज करना पड़ेगा कि कौन सा केबल किस कनेक्शन पे या किस इंटरफेस पे लगेगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कंसोल केबल है, अगर हमें राउटर का कंसोल या स्विच का कंसोल एक्सेस करना है तो कंसोल केबल यूज़ करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल है, जिसको हम अगर सिस्टम को स्विच से जोड़ना हो या राउटर को स्विच से जोड़ना हो तो इस केबल का यूज़ करेंगे। क्रॉसवायर केबल है, अगर हम सिस्टम को सिस्टम से जोड़ रहे हैं, सेम तरीके की डिवाइसेज अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्रॉस केबल कनेक्शन यूज़ कर सकते हैं। वैसे आप फाइबर ऑप्टिक केबल, फ़ोन केबल,
फोन लाइन्स आप यूज़ कर सकते हैं, कोएक्सियल केबल ले सकते हैं अगर आपको कोएक्सियल का कोई प्रैक्टिकल करना है, डीसी केबल, ये सीरियल केबल है, डीसी और डीटी एंड है सीरियल केबल का, जो हम राउटर से राउटर कनेक्ट करने के लिए या फ्रेम रिले कनेक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एंड डिवाइसेज हैं, एंड डिवाइसेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जेनरिक में कंप्यूटर है आपका, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है यहाँ से वो पिक कर सकते हो यहाँ पे। दूसरा ये जेनरिक लैपटॉप है, सर्वर भी है यहाँ पे, आप उठाएंगे तो सर्वर मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे, कॉन्फिगर पे जाएंगे तो यहाँ DHCP HTTP यानी वेब सर्वर बना सकते हो, DHCP सर्वर बना सकते हो, TFTP सर्वर इसको यूज़ कर सकते हो, DNS सर्वर भी यूज़ कर सकते हैं आप AAA सर्वर यूज़ कर सकते हैं, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल सर्वर यूज़ कर सकते हैं, ईमेल सर्वर यूज़ कर सकते हैं, FTP सर्वर यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पर बैठ के। यहाँ पर आपको फ्रेम रिले डिवाइसेस भी मिल जाएंगी, DSL मॉडम भी मिल जाएगा, केबल मॉडम भी मिल जाएगा, अगर आप केबल मॉडम का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि ये राउटर पिक करना, अगर आपको राउटर इस बॉक्स पे लाना है, राउटर पे कोई आईपी एड्रेस असाइन करना है, तो आपको वो सारी डिवाइसेस इस बॉक्स पे, ये आपको जो विंडो दिखाई दे रहा है, इस विंडो पे लाना पड़ेगा। इसके लिए आप डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ये डिवाइस बॉक्सेस में शो करेंगी, यहाँ में से आप कोई भी डिवाइस को एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ये डिवाइस यहाँ पे मिल जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे तो इसका एक CLI प्रॉम्प्ट आएगा, CLI पे क्लिक करेंगे तो ये राउटर अप हो रहा है, दैट मीन्स कि बूट कर रहा है राउटर। यहाँ पर देखेंगे नो सेट एंटर करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट राउटर का आ गया है। तो इसी तरीके का कमांड प्रॉम्प्ट आप एक्चुअल हार्डवेयर में भी पाएंगे जिसको हम कंसोल के थ्रू एक्सेस करते हैं, उसमें इसमें तो आपका इस राउटर में आप देख सकते हैं कि भाई इसमें डबल क्लिक करने पे एक CLI ओपन हो जा रहा है, पर एक्चुअल राउटर में ऐसा नहीं होगा। एक्चुअल राउटर में आपको एक इसको कॉन्फिगर करने के लिए एक एक्चुअल हार्डवेयर डिवाइस चाहिए, जैसे कि आप लैपटॉप या PC यूज़ कर सकते हैं, PC पे कंसोल पोर्ट होना चाहिए अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए एक कंसोल केबल यूज़ करनी पड़ेगी। कंसोल केबल ये है, कंसोल केबल इसके सीरियल RS232 पोर्ट से राउटर के कंसोल पोर्ट से कनेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ अगर आप देखेंगे टर्मिनल पे जाएंगे, ओके करेंगे तो ये एक्चुअल राउटर इस तरीके से फिजिकली कनेक्ट हुआ है। तो अगर एक्चुअल राउटर होगा तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, पर यहाँ वर्चुअल में आप इस सिमुलेटर में आप डायरेक्ट जा सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। अब आप अगर इसका बैकग्राउंड कुछ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं सेट टाइटल बैकग्राउंड, क्लिक करेंगे तो यहाँ से कुछ प्री डिफाइंड इमेजेस हैं, अदरवाइज आप अपनी इमेज भी लगा सकते हो यहाँ से, कोई भी इमेज आपके कंप्यूटर में जो पड़ी है उसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, यहाँ से पिक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से कोई अप्लाई करिए तो इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, राउटर आपको इस तरीके से मिलेगा, आप अपना भी फोटो यहाँ से लगा सकते हैं। रीसेट कर दिया, पोर्ट्स की जानकारी या व्यू देखना चाहते हैं तो क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार आप जैसे अगर हमें इस डिवाइस को डिलीट करना है यहाँ से, तो ऐसे डिलीट नहीं होगा, यहाँ पे आप लेफ्ट पेन पे जाएंगे तो यहाँ बहुत सारे सिंबल्स हैं, जैसे अगर आपको डिलीट करना है तो ये क्रॉस का यूज़ करना पड़ेगा, क्रॉस। अभी क्या है कि हमें अगर हमने मल्टीपल डिवाइसेस यहाँ ले रखी है और इसमें से किसी एक डिवाइस को डिलीट करना है और मैंने ये डिलीट बटन को टिक करके इसको डिलीट किया है, तो अपने आप ये डिलीट ऑप्शन गायब हो जाएगा। इन केस अगर मैंने ये डिलीट कर दिया तो और गलती से ये क्लिक हो गया डिलीट पे और मुझे क्या यूज़ करना है, इसको कनेक्ट करना है, डिलीट नहीं करना है, तो अब ये सिंबल आपको हटाना पड़ेगा। इसके लिए आप ये एरो वाला सिंबल यूज़ करेंगे सेलेक्ट करने के लिए, इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका ये वाला जो सेलेक्ट था क्रॉस जो सेलेक्ट था डिलीट बटन जो सेलेक्ट थी वो हट जाएगी। इसके लिए नोट्स यहाँ पे दिया हुआ है, नोट्स ये देख सकते हैं नोट्स टाइप में बना हुआ है, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ कहीं भी क्लिक करेंगे तो इसमें नोट्स आप टाइप कर सकते हैं। इस तरीके से आप आसानी से ये सब चीजें कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे नीचे अगर आप किसी चीज को चेक करना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं, किसी प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, कोई भी चीज़ मॉनिटर करना चाहते हैं, ARP टेबल मॉनिटर करना चाहते हैं तो आपको दिखाई देगा।
अब जैसे कि ये रियल टाइम यहाँ आप शो कर रहे हैं रियल टाइम, दैट मीन्स कि जैसे रियल टाइम पे कुछ होता है वो यहाँ पे शो करेगा। अगर आप इसको एक केबल के थ्रू, जैसे मैं इसको राउटर को राउटर से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, सो राउटर को राउटर से अगर आपको कनेक्ट करना है तो इसके लिए आपको राउटर पे सीरियल इंटरफेसेस चाहिए, राउटर पे सीरियल इंटरफेसेस, क्योंकि राउटर को राउटर से कनेक्ट करने के लिए मुझे सीरियल इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है। तो राउटर पे सीरियल इंटरफेस लेने का क्या तरीका है, इस राउटर पे एक सिंगल लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इस पे आपको ये फिजिकल डिवाइस का फिजिकल व्यू दिखेगा। यहाँ पर ये डिवाइस का ऑन ऑफ स्विच है, ऑन करने पे ये देखिए ग्रीन हो जा रहा है, ऑफ करने पे ग्रीन हट जा रहा है, और ये ब्लैंक एम्प्टी बॉक्सेस हैं। ये एम्प्टी बॉक्सेस एक्चुअली मॉड्यूल्स हैं, यहाँ पर आप पोर्ट ऐड कर सकते हैं। पोर्ट की जो मॉड्यूल्स की जो लिस्ट है यहाँ पर ये राइट पेन में है, यहाँ से आप ये जो पोर्ट है वैन इंटरफेस कार्ड 1T, 1T का मतलब एक पोर्ट, 2T का मतलब दो पोर्ट, 1T पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ये बॉक्स आएगा, इस बॉक्स में ये पोर्ट अवेलेबल होगा, यहाँ को क्लिक करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी है यहाँ पे, ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दोगे तो ये जो सीरियल इंटरफेस है ये राउटर में ऐड हो जाएगा। अब राउटर को ऑन कर सकते हैं, इसी तरीके से हम राउटर 2 पे भी क्या करेंगे, राउटर को ऑफ करेंगे। ऑफ इसलिए करना पड़ता है क्योंकि चलते हुए राउटर में जब राउटर स्टार्ट होता है रनिंग कंडीशन में होता है तो उसमें आप हार्डवेयर ऐड नहीं कर सकते हैं। यहाँ भी 1T ऐड करते हैं, अब राउटर को ऑन करते हैं, इस तरीके से हमारा राउटर क्या हो गया, ऑन हो गया। इस तरीके से आपके दोनों राउटर में पोर्ट अवेलेबल हो गए। अब इनको आपस में कनेक्ट करना है तो सीरियल केबल लेना पड़ेगा, यहाँ आप देख सकते हैं सीरियल केबल अवेलेबल है, सीरियल डीसी और सीरियल डीटी। सीरियल डीसी और सीरियल डीटी क्या होता है, डीसी मतलब डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और डीटी मतलब डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट। डीसी पे हम एक क्लॉक रेट सेट करते हैं, डीसी एक्चुअली वो पॉइंट होता है जो कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है, कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है। जैसे कि ये डीटी है और ये डीसी है, अगर मैं इसको डीटी बोलूं, डीटी एंड ये है डीटी डीसी, इसको मैंने डीसी बनाया और इसको डीटी बनाया, तो डीसी राउटर क्या करेगा और डीटी राउटर क्या करेगा, डीसी राउटर एक्चुअली इसको रिक्वेस्ट कर सकता है कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए, और डिपेंड करता है डीसी राउटर पे कि वो कनेक्शन स्टार्ट करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। इस पे ये इसका डिसीजन नहीं हो सकता, ये कनेक्शन स्टार्ट नहीं कर सकता। डीसी राउटर्स ये सेट कर सकता है कि वो कितनी क्लॉक से डेटा को ट्रांसमिट करेगा, तो इस पे हमें क्लॉक भी सेट करने की फैसिलिटी मिलती है, तो ये यहाँ से डिसाइड करता है। अगर हम इसको पिक करते हैं और इधर से स्टार्ट करते हैं कनेक्शन और इधर सीरियल 0/0 से कनेक्ट करते हैं, तो ये पॉइंट हमारा डीसी बन गया, ये डीटी बन गया। तो जब राउटर को हमें आईपी एड्रेस जब राउटर पे असाइन करेंगे तो होगा क्या कि हमें यहाँ क्लॉक रेट भी डालना पड़ेगा, पर इस पे क्लॉक रेट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ अगर हम मैं कर्सर ले जाता हूँ हल्का सा, अगर आप यहाँ पे कर्सर ले जाते हैं तो देखिएगा सीरियल 0/0 SE0/0 लिखा हुआ है, और उसके राइट साइड में एक, लेफ्ट साइड में एक वॉच बन के आ रहा है, घड़ी बन के आ रही है। ये वॉच का मतलब है क्लॉक सेट करने के लिए बोल रहा है, तो क्लॉक हम इधर ही देंगे और क्लॉक ही इनिशिएट करता है कनेक्शन, कनेक्शन स्टार्ट करता है। इस तरीके से मैं राउटर को कनेक्ट कर चुका हूँ। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ कि अगर राउटर को राउटर से कनेक्ट करना है तो यहाँ से सीरियल केबल पिक करेंगे और राउटर पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास तीन पोर्ट दिखाई दे रहे हैं, एक कंसोल है, दूसरा फास्ट 0/0 है, फास्ट इथरनेट 0/0, और तीसरा है सीरियल 0/0। तो अगर आपको सीरियल 0/0 से कनेक्ट करना है तो यहाँ पर एक बार टिक कर देंगे तो ये केबल आपकी इससे कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये राउटर है इसलिए हम सीरियल 0/0 से कनेक्ट करेंगे। फास्ट इथरनेट लैंड कार्ड जो होता है वो स्विच कनेक्ट करने के लिए या पीसी कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। डीटी डिवाइस पे क्लिक करेंगे, ले जाके यहाँ पर सीरियल 0/0 सेलेक्ट करेंगे, तो इस तरीके से हमारे राउटर आपस में कनेक्ट हो गए। आगे राउटर पे आईपी एड्रेस असाइन करना है तो हम उस पर कंसोल एक्सेस करेंगे। यहाँ देख सकते हैं ये एक बबल सा बना हुआ है,
ये बबल इसलिए एक्चुअली बनाया गया कि ये बबल अभी ग्रीन होगा, जब ये राउटर का पोर्ट जिस पोर्ट से ये कनेक्टेड है वो पोर्ट जब अप हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो अभी ग्रीन करने का क्या प्रोसीजर है, यानी पोर्ट को एक्टिव करने का क्या प्रोसीजर है, आईपी एड्रेस असाइन करने का क्या प्रोसीजर है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। राउटर पे आईपी एड्रेस डालना है तो राउटर का कमांड प्रॉम्प्ट एक्सेस करना पड़ेगा। उसके लिए इस राउटर पे आप सिंगल लेफ्ट क्लिक करेंगे और ये इसका फिजिकल व्यू बाय डिफॉल्ट खुल के आता है। इसके कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के लिए यहाँ देख सकते हैं कि CLI टाइप दिया हुआ है, एक टैब है CLI, इस टैब पे क्लिक करेंगे तो इस टैब पे क्लिक करने के बाद ये राउटर का कंसोल आ गया। यहाँ पर राउटर का कंटिन्यू विद द कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, अगर यहाँ पर मैं यस कर देता हूँ तो राउटर की कुछ इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे राउटर पे पासवर्ड सेट करना, राउटर का नाम यानी होस्ट नेम सेट करना, ये कुछ इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है जो हम स्टार्टिंग में कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर नो टाइप करता हूँ तो ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन को स्किप कर जाएगा और डायरेक्ट आपके सामने राउटर का प्रॉम्प्ट आ जाएगा। राउटर का प्रॉम्प्ट जैसे राउटर ग्रेटर देन, ये प्रॉम्प्ट है। राउटर तीन मोड में ऑपरेट होता है, एक होता है आपका राउटर का यूजर एक्सेस मोड, सो दिस इज द फर्स्ट मोड और इस मोड को हम यूजर एक्सेस मोड कहते हैं। इस मोड पे आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ कमांड कितनी इस पे चल सकती हैं, तो उसको जस्ट शो करने के लिए आप क्वेश्चन मार्क प्रेस करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं नंबर ऑफ कमांड ये चल सकती हैं। ये कमांड मेन कमांड है, इन कमांड के बाद आप पैरामीटर और भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इनेबल टाइप करता हूँ तो यहाँ पर इनेबल टाइप करने पे एंटर किया तो ये अगला मोड आ गया, यानी आप ग्रेटर देन जो साइन था उसके बाद अब ये हैश फंक्शन आ गया, हैश सिंबल आ गया है। ये हैश सिंबल का मतलब है कि राउटर का मोड चेंज हो गया है। अब ये राउटर जो है वो राउटर यूजर प्रिविलेज मोड पे है। यूजर प्रिविलेज मोड पे कुछ आप ज़्यादा एडवांस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, जो आपका यूजर एक्सेस मोड है पहला, उस मोड पे लिमिटेड कमांड है, यहाँ पर उससे कुछ ज़्यादा कमांड आप देख सकते हैं। जो यूज़र प्रिविलेज मोड है उस पर आप कमांड ज़्यादा कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और उस पर कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको राउटर को फुल्ली कॉन्फ़िगर करना है, उसको सारी सेटिंग्स करनी है, तो उसके लिए आपको एक नेक्स्ट मोड पे जाना पड़ेगा। उस पे जाने के लिए आप टाइप करेंगे कॉन्फ़िगर स्पेस टर्मिनल, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिए कि अभी राउटर हैश था, अभी राउटर कॉन्फ़िग हैश हो गया है ब्रैकेट में। तो ये एक्चुअली ये जो मोड है राउटर का, ये आपका ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड है। सो ये थी हमारी बेसिक राउटर कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें राउटर के पोर्ट्स के बारे में जाना आपने, राउटर के पोर्ट्स कैसे हम पिक करते हैं और बेसिक सेटिंग कैसे करते हैं, होस्ट नेम कैसे सेट करते हैं। अगले सेशन में हम और